आइए हम आपको दिखाते हैं डबरा हिंदुस्तान टुडे के विशेष संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की खास बातचीत चिंतू तोमर के साथ, जो कि डबरा शहर में रात दिन एक करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम एक ऐसे समाज सेवी से मिलवाते हैं जो कि डबरा शहर में 2 माह से दिन रात एक करे हुए हैं। सर, हिंदुस्तान टुडे में आपका स्वागत है। जैसे कि सर, हम डबरा में देखा जा रहा है सर कि आप समाज सेवी कर रहे हैं सर, तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है सर? देखिए, मैं जो समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ, मैं इंसानियत और मानवता को प्रथम श्रेणी में रखकर कर रहा हूँ। वर्तमान जो हालात बने थे 22 तारीख से, और जो लॉकडाउन लगा वहाँ से ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि जो बेसहारा निर्धन मजदूर निकले, जो ज़रूरतमंद थे उनको भोजन वगैरह की व्यवस्थाएँ थी। और इसके अलावा समय समय पर जब भी शहर के ज़रूरतमंद लोग जो दिहाड़ी मजदूर थे, जिनकी रोजी रोटी चलती थी प्रतिदिन के एक मजदूरी से, उनके घर राशन वगैरह पहुंचवाया। और जब जब आवश्यकता पड़ती है हम अपना है कार्य निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। और जब हमने कार्य शुरू किया तो केवल ईश्वर का ध्यान रखते हुए किया, और यह संकल्प लिया कि हमारे रहते हमारे डबरा शहर में कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा और भूखा नहीं रहेगा, और ना ही यहाँ से निकलने वाला कोई व्यक्ति भूखा निकलेगा। संकल्प हमारा भूखा ना रहे कोई परिवार बेसहारा, इस शब्द को हमने अपने जीवन में उतारा, सारे साथियों ने उतारा, और इसी शब्द के राह पर हम लोगों ने अपने शहर से निकलने वाले, शहर में रहने वाले सभी लोगों को भोजन की सेवा की। और सर, ऐसा भी समझ आ रहा है सर डबरा में कि आप सर हर गली हर मोहल्ला में सर सैनिटाइजर भी कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, हम हर गली हर मोहल्ले में सैनिटाइज प्रचार कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिगत हमने उन स्थलों पर सैनिटाइज किया जैसे अस्पताल हैं सरकारी, आपके मेडिकल हैं, लेबोरेटरी हैं, संस्थान हैं, और थाने वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक लोग आते हैं जाते हैं, लोग भी लोगों के घरों में जाते हैं, तो इन्हें सुरक्षित करना पहले ज़रूरी था, क्योंकि यह कोरोना वायरस किसी के यहाँ से भी आकर पूरे शहर में पूरे शहर को संक्रमित कर सकता है। इसलिए हमने हर ऐसे मुख्य स्थल को पहले चिन्हित कर किया, उसके बाद जो एरिया संक्रमण में थे उन एरियों को किया, जिसमें शराब बाजार है, आपका खमरेसर कॉलोनी है, जिससे कि संक्रमण से लोगों का बचाव हो सके। और अभी भी वर्तमान में हमारा सैनिटाइजर सेवा कर रहा है। और सर, हाँ लॉकडाउन से पहले सर गौ माता की भी आप सर बहुत सेवा कर रहे थे सर? हाँ, हम लॉकडाउन से पहले गौ माता की सेवा कर रहे थे, क्योंकि हमारा जीवन का जो ध्येय था वो गौ माता की सेवा से आरंभ हुआ। और विगत 15-20 वर्ष के इस उम्र के अंतराल में मैंने जो मेरे पे सहयोग का बना मैंने किया, और गौ सेवा हमारा ध्येय है, गौ माता हमारी पूज्य है, हम उसको भूखा नहीं मरने दे सकते। उसको जो एक्सीडेंट होती हैं आज भी उनका इलाज हम लोग कर रहे हैं, संजीवनी गौशाला सब्जी मंडी वर्तमान गुड़ मंडी में हम कर रहे हैं, और ये आज का ही गौशाला हमें प्रशासन द्वारा दी गई है। आज भी वर्तमान में हम गौ सेवक वहाँ पर गौ सेवाएँ दे रहे हैं। सर, हिंदुस्तान टुडे में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। डबरा से समाज सेवी चिंटू तोमर।